यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में निकली है। जस्ट एक वॉक इन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी भर्ती यहाँ पर करवाई जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वैकेंसीज निकली है। स्पेसिफिक यदि टीचर की बात करें तो TGT, PGT, PRT, प्री प्राइमरी वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके अलावा भी ब्यूटिशियन और कई सारी वैकेंसीज है जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो ये एक वैकेंसी निकाली गई है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो कि NCERT के अंतर्गत आता है भोपाल की साइट से। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, इसमें कुछ स्पेसिफिक अलग अलग डेट्स यहाँ पर दे रखी है जिस डेट पर जाकर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और उसके बाद 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे अपन एज अ गेस्ट टीचर भी बात करते हैं, तो गेस्ट टीचर की भर्ती भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए होती है। तो इसमें भी सेम 10 महीने का पूरा आपका टाइम रहेगा जिसमें आपको अपनी सर्विस देनी है। क्या डिटेल है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वैकेंसीज निकली है जैसे PGT, TGT, वेट, PRT, प्री प्राइमरी टीचर, लैब असिस्टेंट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज। ठीक है, इंजीनियर के लिए, एडिटर टेक्नीशियन के लिए, कैमरामैन के लिए, साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए, विजुअल एनालाइजर के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। इन सभी का इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब यदि आप इसमें बैठना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू जो रहेगा 20 जून 2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 के बीच में रहेगा। अब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कहाँ पर होगा, भोपाल में ही होगा। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 1 साल तक की सर्विस इसमें रहेगी। जुलाई से लेकर अगले अप्रैल तक आपको अपनी सर्विस यहाँ पर देना रहेगी। ठीक है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 2024-25 से 31 मार्च 2025 तक या जब तक कि नियमित पदग्राही सेवा नहीं आ जाते, मतलब जब तक यहां पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जो एग्जाम देकर बैठेंगे तब तक के लिए आप वहां पर वैलिड रहेंगे। ठीक है, 31 मार्च तक का तो ऑफिशियल है, उसके बाद भी आपकी सर्विस वहां पर कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि जो एग्जाम होती है और ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक के लिए। संविदात्मक परियोजना जुड़ाव से पद या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार इसके अंदर नहीं है, मतलब आप कहें कि हमें रेगुलर किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इन्होंने ये चीज पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला जाएगा। इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और हर डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी के साथ आपको वहां पर पहुंचना है। ठीक है, और फोटो जो होते हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटोज वो लेकर जाने, वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। अब अपन डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर निकली है। ठीक है, PGT की वैकेंसीज यहां पर निकली है, तो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सभी एग्जाम में रहता है उसी के लिए, जैसे NVS की बात कर ले, KVS की बात कर ले, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया MPTET के लिए भी है, सेम क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, एज 40 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/6/2024 तक काउंट किया जाए तो। ठीक है, इंटरव्यू होगा 30/4/2025 तक के लिए, आपको अपनी सर्विस देनी होगी। ठीक है, PGT में कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। या तो आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मास्टर डिग्री यहाँ पर ले रखी हो, या फिर अगर बात किया जाए तो मास्टर डिग्री आपने ले रखी हो विथ मिनिमम 50% ने लेकर आ रखे हो कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, साथ ही आपने BEd या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी प्रोफिशिएंसी यहां पर होना चाहिए, किसके लिए, PGT के लिए। सेम आप यहां पर देख सकते हैं PGT फाइन आर्ट के लिए भी यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, इसमें सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स विथ स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड ऑफ फाइन आर्ट स्किल। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर अपना BEd कर रखा है, उसके बाद आपने फाइन आर्ट में जो है कोर्स भी किया हुआ है, 1 ईयर डिप्लोमा है, 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रोफिशियंसी भी आपकी सेम हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, ICT टूल्स आपको आना चाहिए बेसिक, उस पर आपकी प्रोफिशियंसी होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा, 1/6/2024 तक आपकी सर्विस यहां पर रहेगी। ठीक है, और ड्यूरेशन जो रहेगा 30/4/2025 तक का रहेगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई अपनी वैकेंसी किसके लिए, फाइन आर्ट के लिए। ऐसे ही टीजीटी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के टीचर के लिए वैकेंसीज निकली है। अभी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता है कि अगर आप टीजीटी साइंस से अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स आपके सब्जेक्ट में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए, और टीजीटी मैथ्स की बात करें तो आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो जिसमें आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, ठीक है। स्किन सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के साथ, ठीक है। और आपने सीटेट पेपर यहाँ पर क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है। प्रोफिशिएंसी दोनों ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और यहाँ पर एज लिमिट 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th में आपने 50% और इसके इक्वेलेंट आप लेकर आए हो, ठीक है। पास इन द सेंट्रल टीचर एग्जामिनेशन टेस्ट, सीटेट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो आपने यहाँ पर पास कर रखा हो। प्राइमरी टीचर है मतलब लेवल 1 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। सेम कंप्यूटर का बेसिक एप्लीकेशन होना चाहिए और एज लिमिट जो है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, काउंट करें तो 1/6/2024 तक, ठीक है। आपसे जो सर्विस ली जाएगी वो 30/4/2025 तक ली जाएगी, मिनिमम ये रहेगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है, ओके। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए यहां पर चाहिएगा अपन को क्लास में 12th की जो क्लास है उसमें 50% एटलीस्ट हमारे होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा आपने ले रखा हो या फिर बीएड भी कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किस डेट तक, 1/6/2024 तक, और सर्विस रहेगी 31/3/2025 तक, 31 मार्च 2025 तक हमारी सर्विस रहेगी। लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोग्राफी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर है, ठीक है। बैचलर डिग्री आपने किसी भी जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे आप फिजिक्स से हैं तो आपने फिजिक्स से बैचलर डिग्री ले रखी हो, मतलब आपके 3 ईयर के कोर्स में एटलीस्ट 2 ईयर तक आपने फिजिक्स पढ़ रखा हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं क्योंकि लैब वर्क है तो आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एज लिमिट 27 से यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 अप्रैल 2025 तक आपकी सर्विस रहेगी, ओके। और किसका इंटरव्यू किस दिन है ये आप देख सकते हैं, जितने भी पीजीटी वाले रहेंगे जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकती है, इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी है, जो पहले पहुंचेगा जिसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा उस बेसिस पर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीजीटी में कॉमर्स के लिए 2 वैकेंसी है, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स तक के जो स्टूडेंट रहेंगे इन सब का इंटरव्यू 20 तारीख को रहेगा, सुबह 9:30 से 10:30 बजे, इंग्लिश वालों का 11 बजे से 12 बजे के बीच में, मैथ्स वालों का 2:30 से 3:30 बजे, इकोनॉमिक्स का 4 बजे से 5 बजे तक शाम को इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और पीजीटी में फाइन आर्ट्स वालों का अगले दिन 21 तारीख को इंटरव्यू है, पॉलिटिकल साइंस वालों का 11 से 12 और संस्कृत वालों का जो है 11 से अपना 2:30 बजे से 3:30 बजे तक इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। ये आपका पीजीटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 24 तारीख को इंटरव्यू रहेगा इन इन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। डब्ल्यूईटी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 तारीख को यहाँ पर, 25 और 26 तारीख को यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। सैलरी इसमें दे रखी है 27,500 यहाँ पर दे रखी है, 26,250 आपको यहाँ पर दे रखी है टीजीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो प्राइमरी टीचर का जो है 27 तारीख को इंटरव्यू रहेगा, 9:30 से 10:30 बजे, 21,250 पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी और 2:30 से 3:30 बजे रहेगा, ठीक है। प्री प्राइमरी टीचर का जो इंटरव्यू रहेगा सेम डे 2:30 से 3:30 बजे रहेगा, ठीक है। आप तो मॉर्निंग ही पहुंच जाना, ओके। और लैब असिस्टेंट की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू का जो डेट है वो सेम है 28, लेकिन टाइम अलग है, सुबह से स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे से, जो कि आपका चलेगा शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और जूलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है, इनका 1 जुलाई को इंटरव्यू है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, अगर आप इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। या फिर आरईसी की ऑफिशियल साइट पर भी आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू रहेगा ये आपका रहेगा 2 तारीख को, ठीक है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जो रहेगा, जो अलग अलग प्रोजेक्ट की पोस्ट रहेगी, उनका 3 तारीख को इंटरव्यू है। इसमें आप और देख सकते हैं जो कंप्यूटर असिस्टेंट है इनका इंटरव्यू 8 जुलाई को रहेगा, ठीक है। 35,000 इनका रहेगा, ठीक है। बाकी जो विजुअल एनालाइजर है इन सब का 35,000 रहेगा और कंप्यूटर असिस्टेंट का 25,000 पे स्केल यहाँ पर रहेगा, ओके। तो ये पूरे जुलाई तक इंटरव्यू चलेंगे, इसी के साथ आपकी ज्वाइनिंग भी साथ के साथ हो जाएगी, 1 ईयर का इसमें टाइम पीरियड रहेगा, ओके।
तो इसमें यदि आपको और कोई डाउट है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर दीजिएगा, और यदि आप जाने का सोच रहे हैं, इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको फिल करके विदाउट एनी मिस्टेक आपको अच्छे से उसको फिल करना है, हर एक चीज़ को डिटेल में फिल करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, परसेंटेज, क्राइटेरिया, जितनी भी चीज़ें उसमें मेंशन कर रखी है उसको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी प्लस वहाँ पर जो फोटोकॉपी है वो लेकर आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से आप कमेंट करिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।